भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने हाथरस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। लाल सिंह ने कहा कि उक्त सरकार ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद पीएम ने खुद सीएम से बात की और पीड़ित परिवार की पूरी सहायता की व्यवस्था की है। एसपी को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में पीड़ित परिवार को पूरी तरह से संरक्षण दिया गया है। लगता है हाथरस में जो बहन के साथ घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, अपराधियों को सजा जल्दी से जल्दी मिले इसलिए उस केस को फास्ट ट्रैक को दिया गया है। और इतना ही नहीं किया है, वो गरीब परिवार को सम्मान की दृष्टि से सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए वो भी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने एसपी को वहां से हटाने का काम किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने और वहां की सरकार ने दलित के हित संरक्षण और उसके सम्मान के लिए जो कुछ कदम उठाना चाहिए वो उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित संरक्षक ईमानदारी से करती है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, मुस्लिम समाज द्वारा धन प्रसाद अहिरवार को सागर में जलाया गया तो टीआई भी नहीं हटा था, और गुना में एक अहिरवार समाज को कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने मारा, पांचों को निलंबित किया, मजिस्ट्रेटियल जांच बैठा ली, एसपी को, कलेक्टर को, आईजी को, डीआईजी को हटाया और उनको निलंबित भी किया। तो बीजेपी किसी भी समाज के ऊपर अपराध हो अगर निर्दोष है तो दोषी के खिलाफ सजा होती है। और मध्य प्रदेश देख लीजिए, आज डकैत मुक्त है, तो इसका मतलब यह है।